इनकी खूबसूरती के अलावा इनके जो सेंस ऑफ स्टाइल है उसकी मैं हमेशा प्रशंसक रही हूँ. यू हैव अमेजिंग स्टाइल, वेरी इंडिविजुअल कंगना. थैंक यू अर्चना जी. आप एक बहुत कम महिला कलाकार होती हैं जिनकी कॉमेडी टाइमिंग होती है. और आपके जो भी रोल हम बचपन में देखते थे या अभी भी देखते हैं, आई मस्ट से कि आपके जितना अच्छा कॉमेडी, जो कि आई थिंक एक्टिंग की सबसे डिफिकल्ट फॉर्म होती है कॉमेडी, बाकी सब चाहे ट्रेजेडी हो, इमोशंस हो, इट्स वेरी ईजी, बट टू बी ए कॉमेडियन इज़ नॉट ईजी. एंड आई थिंक फॉर दैट अर्चना जी. ये तो है अर्चना जी. अच्छा देख लो अर्चना जी ने आपकी तारीफ एक ही लाइन में खत्म कर दी. सिद्धू जी होते 1.5 दर्जन शेर बोलते. उनको पता चला आज कंगना आ रही हैं तो गुस्से में इन्होंने रिजाइन कर दिया. मुझे कहते मैं यहाँ पे क्यों नहीं. मुझे थोड़ी सी धक धक हुई यार रिजाइन सुनकर. देखो अपना अपना देखो भाई, हमें नहीं पता. कंगना ये सीजन में आप पहली बार आई है ना जी. देखिए बजट देखिए हमारा, फ्रेश फ्रूट एकदम पूरा फ्रेश फ्रूट्स और मोहल्ला, बहुत सारी दुकानें भी खुल गई. हाँ जी. हमारी अपनी 1.5 साल बंद रही ना पहले. तो हमने बहुत सारी खोल दी कि एक बंद हो दूसरी से गुजारा हो जाए, एक तो चले. कंगना इसमें एक टैग लाइन है फिल्म में, ट्रस्ट नो वन. आप इस बात पे बिलीव करती हैं? हाँ. हर किसी पे बिलीव नहीं करना चाहिए, किसी पे भी नहीं. मैंने अभी भी ये बात पे बिलीव करना शुरू किया है. पहले पहले किसी पे भी कर लेते थे. कंगना राजकुमार के साथ फिल्म में आपकी क्या केमिस्ट्री है? क्या आप लोग हीरो हीरोइन है दोनों? प्यार मोहब्बत वाला सीन है? नहीं है, प्यार मोहब्बत भी है. राज मेरा दुश्मन भी है मगर उसके लिए मुझे फीलिंग्स भी बहुत ज्यादा है. तो बड़ा कमाल लग रहा है, दोनों अलग लग रहा है और मजा आ रहा है देख के. बहुत बहुत बधाई आपको इसके लिए. अच्छा फैशन देख लो आप, क्वीन देख लो, तनु वेज मनु देख लो, जो जब भी आपकी लोगों ने पिक्चरें देखी तो लोग बोलते हैं कि कंगना बिल्कुल रियल लग रही है. और इस फिल्म के बाद जब आपको लोग बोलेंगे कि आप बिल्कुल रियल लग रही हैं, आपको अच्छा लगेगा तो गुस्सा आएगा आपको? मुझे आई थिंक मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि फैशन के टाइम पे भी लोगों ने ऐसा कहा था. क्वीन के सब एक बिल्कुल डिफरेंट रोल्स हैं जी. तो मुझे खुशी होगी कि मैं एक रोल को जस्टिस कर पाई. और आज भी जब मैं लोगों को मिलती हूँ वो फैशन की वॉक करने लग जाते हैं, जबकि दत्तों के डायलॉग बोलने लग जाते हैं. अब मणिकर्णिका को लेके यू नो उसको लेके वो भावुक हो जाते हैं. तो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मेरे कैरेक्टर्स से लोग जुड़ पाते हैं. एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू कंगना. बचपन में ऐसा सुना है कि कंगना के पापा जो हैं बचपन में ना इनके लिए डॉल लाते थे और भाई के लिए गन, तो इनको गुस्सा आता था कि मेरे लिए गन क्यों नहीं लाते. आपको शुरू से शौक था धमाके करने का? एक्चुअली मुझे ज़्यादा गुस्सा इसलिए आता था क्योंकि पापा क्या करते थे, ऐसे जैसे कोई मशीन गन या कुछ ऐसा लाते थे मेरे भाई के लिए, अक्षत के लिए, उसके साथ गेम्स खेलते थे. फिर अच्छा उसको जैसे कमांडो बनाते थे और खुद बनते थे, फिर उसको पकड़ के जैसे दरवाजे के ऊपर लगा के कमांडो बनाते थे. तो मुझे ये लगता था कि जैसे पापा हमारे साथ नहीं खेलते हैं, तो इसलिए मुझे लगता था कि मुझे भी गन्स चाहिए. तो फिर मैं उनको बहुत तंग करती थी कि मुझे भी गन्स चाहिए. लेकिन अब जब मैं पीछे सोचती हूँ इस बारे में तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, बट आई थिंक फादर्स कहीं ना कहीं डॉटर्स के साथ खेलते नहीं है, तो वो चेंज होना चाहिए आई फील. जब आप बहुत खुश होती हैं तो आप कुकिंग करती हैं, इज इट ट्रू? या बहुत ज़्यादा. लेकिन ऐसा नहीं कि मैं कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाऊंगी. अच्छा आसान सा कुछ पराठा या पकोड़े या कुछ ऐसा आसान सा. जैसे आप शूटिंग कर रही हैं तो बहुत खुश हो गई हैं तो कुकिंग नहीं कर सकती, फिर क्या करेंगी? उसका तो कोई सामने वाला जो भी चाय या वड़ा पाव वाला है उससे मंगवाएंगे कुछ इमीडिएटली. पहले तो मैं एक शेर आपके लिए पढ़ता हूँ जी. आसमां वालों के धरती पे कदम आए हैं. वाह. आसमां वालों के धरती पर कदम, धरती पे कदम आए हैं. शहर में कर दो ये ऐलान कि हम आए हैं. क्या बात है. तो ऐसी जगह पे जब ऑडियंस को ऐसे समझाना पड़ता है कि बीच में खला आएगी, तो ये सब जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो पेमेंट सेम रहती है कि ट्रांसलेट करने के अलग से लेते हैं? मेरी पेमेंट खला में ही अटकी रहती है हमेशा. ये तो आपको मालूम ही है कपिल. आप सब मुझसे ज़्यादा अशोक जी ऐसा कहते हैं कि दिल टूटने के बाद ही कोई शायर बनता है या कवि बनता है. आप तो इतनी हास्य कविताएं लिखते हैं तो फिर मतलब हास्य कवि बनने के लिए अलग फार्मूला कोई? दरअसल दूसरों के टूटे दिल देख के वो ऐसा फेविकोल बनना चाहता है कि वो जुड़ जाएं और उनके संकट के दिन, तकलीफ के दिन उड़ जाएं. तो कविता आती तो है जब दिल टूटता है. एक चूड़ी टूटती तो हाय हो जाता मंगल, मेघ में बिजली कड़कती कांपता संपूर्ण जंगल, भाग्य के लेखे लगाते एक तारा टूटता तो, अपशकुन श्रृंगारिणी के हाथ दर्पण छूटता तो, दीप की चिमनी चटकती चट तिमिर का भसता था, पर कौन सुनता विस्फोट जब कोई हृदय है टूट जाता। वाह वाह वाह, क्या बात है। हमारी तो इसी बात की टेक है, कपिल के हर प्रश्न का उत्तर एक है, वो है प्रेम। प्रेम जो हंसी का जन्मदाता है, प्रेम जो आपके अंदर जिंदगी लाता है, प्रेम जो आपको जो दिखाता है वो दे नहीं पाता है और जो दे देता है वो लेके नहीं जा पाता है। क्या बात। अगर आपने किसी से प्रेम किया है तो आप वापस नहीं कर सकते, आप मुंह मोड़ सकते हैं लेकिन छोड़ सकते हैं, लेकिन अपना तोड़ लें उसका नहीं तोड़ सकते। क्या बात है। तो राज साहब जब भी अनुज जी यहाँ पे आते हैं तो हमें तो बहुत शेर सुनाते हैं, आपको सुनाते थे या आपके वाले हमें सुना के निकल जाए? नहीं नहीं, असल में उन्होंने इतने शेर सुनाए कि एक टेलीविज़न चैनल को तो कंपेनिंग शुरू करना पड़ी कि शेर बचाओ शेर बचाओ। तो अब हमने उन्हें देखकर शायर भागते हैं, अरे शेर आ गया शेर आ गया शेर आ गया। हम भी इसी तरह से भागती रहे हमेशा। बस सुना, जब आप उनके साथ काम करते थे तो 2 मिनट का भी राहत साहब अगर ब्रेक लेते थे तो वो ध्यान रखते थे कहीं राहत साहब इंदौर ना चले जाएं। इतना प्यार है राहत साहब आपको इंदौर? नहीं इतना प्यार नहीं, मेरा शहर मुझे प्यारा है, मेरे शहर के लोग प्यारे हैं। तो मैं काम करता था उनके साथ रिकॉर्डिंग वगैरह में, अबू वगैरह में। सिर्फ ज़माने में मैं सिगरेट बहुत पिया करता था, तो जब मैं सिगरेट पीने नीचे आता था 2 आदमी नन्नू लगा देते थे कि देखना ज़रा था, थोड़ी देर बाद में फ़ोन आएगा कि अनु भाई मैं इंदौर में पहुँच गया हूँ। तो बड़ी मोहब्बत की थी, लेकिन हमने मिलजुल के काम भी किया, बहुत अच्छा किया, बहुत मेहनत से किया, लोगों ने पसंद किया। लेकिन अब एक वक्त है, ठीक है एक वक्त था, अब मेरे पास शायद बम्बई में मेरे लिए गुंजाइश नहीं रही होगी, इसलिए मैं, लेकिन मैं अभी भी मुंतज़िर रहता हूँ कि कोई ऐसा मौका आए कि जहाँ किसी को शायरी की ज़रूरत पड़ जाए। वाह तो राहत, क्या बात है, वाह वाह वाह। अगर मेट्रो शुरू हो और मथुरा जा रही हो, हाँ, तो अनाउंसमेंट कैसे होगा? राधे 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 राधे, जी मथुरा मेट्रो है जहाँ में आप सबन को स्वागत है। अगला स्टेशन धोली प्याऊ को है, दरवाजा उल्टे हाथ माऊ खुलेंगे। अच्छा। जिनको होली दरवाजे की बेड़ई या शंकर हलवाई को मीठो लेना हो, यहीं पे फट सीना उतर जाए। अगला स्टेशन टैंक चौराहे को है, दरवाजा जानते चिपकने की जरूरत ना है, फंस गई तो तुम्हारी जान को और हमारे माल को नुकसान है जाएगा। गुटखा खाएबे की और बीड़ी है पीबे की तो सोचियो मती। अच्छा। नहीं तो 500 रुपया तिलक है जाएगा। अगाड़ी के 2 डब्बा और तनकू है, उनमें कोई लपका पकड़ो गए हो तो तबीयत खातिरदारी है जाएगी। धक्का मुक्की करियो मती, बड़े बूढ़े इनको पहले जगह दियो। ज्यादा होशियारी दिखाई तो कैमरा लग रहे, जो पकड़ो जाएगा जेल के जंगला की हवा खाएगा। राधे 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 राधे। शायरी करना नहीं है, इनके सामने कह रहा हूँ, शायरी करना नहीं है हर किसी के बस की बात, तुझको करनी है तो कर ले चक्रधर से मशवरा। और चक्रधर का मशवरा लेकिन समझ पाया है कौन हो, कलंदर या सिकंदर, सिर फिरा या मस्खरा, तोड़ दे मनहूसियत, मनहूसियत में क्या धरा। तू कपिल के शो में आया, अब तो पगले मुस्कुरा। वाह क्या बात। मुल्कों की तारीख बदल जाती है, देश देशांतर की ऐतिहासिक महत्ता बदल जाती है, सत्ता बदल जाती है, शहनशाह बदल जाते हैं, सम्राट परिवर्तनशील हैं, मगर इस बदलती हुई दुनिया में मोहब्बत जिस इंसान का दामन थाम लेती है वो इंसान नहीं बदलता। आहा हा हा हा। किंतु इस धरा मध्य प्रेम आसक्ति जिसका अंगवस्त्र पकड़ ले वो व्यक्ति, आगे लाइन क्या थी, वो इंसान नहीं बदलता, वह व्यक्ति परिवर्तनशील नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। वाह। एक और है सर, आपकी इजाजत हो तो ये है कि मोहब्बत करने वालों का बस इतना ही है अफसाना। हाँ। मोहब्बत करने वाले का बस इतना ही है अफसाना, तड़पना, छुप छुप के आहें भरना, घुट घुट के मर जाना। प्रेमासक्त व्यक्ति का इतना सा कथानक है। अच्छा जी, ये तो पहली पंक्ति होगी ना जी। प्रेमासक्त व्यक्ति का इतना सा कथानक है, करवट है नसलवट है, ध्वनि विहीनम ध्वनि वहीनम, गुपचुप गुपचुप ना चुपके, हाँ चुपके चुपके आहें भरना, घुट घुट के मर जाना। हाँ हाँ, ध्वनि विहीनम प्राणहीनम भयानकम। बहुत बढ़िया। सर ऐसा भी बहुत बार हुआ होगा कि कोई आपकी कविता ही पढ़ गया हो आपके सामने? कभी सदा ही होता है। और मेरे सामने भी पढ़ जाते हैं और हम सौमनस्य से उस पर वाह वाह कर देते हैं। देखिए लड़ना क्या है, ये नई पीढ़ी जो है जी, शिक्षा क्या है, एक मोड ऑफ नॉलेज ट्रांसफर है जी। हम हमारे पास कहीं से आई, हमने कहीं दी। मेरे शब्द शब्द नहीं हैं, डूबते को सहारे के तिनके हैं। वाह। मेरे शब्द शब्द नहीं हैं, डूबते को सहारे के तिनके हैं, और मेरे भी कहाँ हैं वो शब्द, पता नहीं किन किन के हैं। आपके हैं, इनके हैं, इनके हैं, इनके हैं। लो मैं भी तुम्हें दे रहा हूँ गिन गिन के, हो सको तो थोड़ी देर और हो जाना इनके। मेरे शब्द शब्द नहीं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।